आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर। पालक पनीर बनाने के लिए चाहिए पालक, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और पनीर, लहसुन, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, 4 लौंग, गरम मसाला, घी, देसी और ऑयल। अब मैं पालक बना रही हूँ। पालक के लिए सबसे पहले हमको डालना है ऑयल। 2 चम्मच ऑयल डाला और 1 चम्मच देसी घी। इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है देसी घी डालने से। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस 2 मिनट हल्का सा चला के फिर इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दूंगी। इसको भी ज़्यादा वो सॉटे नहीं करना है, बस हल्का सा खाली, बस इसमें थोड़ा सा इसका फ्लेवर आ जाए। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया, 4 लौंग, 1/2 टमाटर डालूंगी। टमाटर को थोड़ा सा फ्राई, थोड़ा सा उसका क्रंचपन खत्म हो जाए इतना उसको थोड़ा सा फ्राई कर दूंगी। अब टमाटर गल गया है, ऑयल देखिए सेपरेट हो रहा है। अब इसमें पालक डाल लेंगे जो मैंने पहले से काट के धो के रखी है। ये बहुत जल्दी बन जाता है अगर आप इस तरह से बनाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। बस इसको 2-3 सीटी दिला देंगे, उसके बाद इसको मिक्स करके इसमें पनीर डाल देंगे। ये 2 हरी मिर्ची जो मैंने पहले काट के रखी थी और ये नमक 1 चम्मच, थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। अब इसको मैं ढक्कन बंद कर दूंगी जब तक थोड़ा ये गले। पालक गल गई है, इसको मैंने ठंडा कर दिया है। अब इसको मिक्सी में थोड़ा सा पीस दूंगी। पालक को पीस दिया है, अब इसको हम गैस पे चढ़ा दिए हैं। इसमें हम पनीर डाल लेंगे, थोड़ा सा 1/2 चम्मच गरम मसाला, इसको थोड़ा सा पनीर मिक्स हो जाए जब तक, उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा छौंका लगा देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
अब पालक बन गई है, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो छूट गया है, पनीर भी मिक्स हो गया है। ऐसा लोग इसको देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कितनी जल्दी बन गया फटाफट। अब इसको मैं बंद करूँगी। अब लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा छौंका लगाऊंगी, एक चम्मच ऑयल डाला। दो कली लहसुन डालूंगी, लहसुन जब तक लाल हो, थोड़ी लाल करेंगे ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस ये लाल हो गई है, इसमें थोड़ी लाल मिर्ची डाल देंगे। तैयार है, आशा करती हूँ आप लोग को भी अच्छा लगेगा। प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप लोग भी बनाइए, खाइए, मेरे को कमेंट्स में बताइए कैसा लगा।